सागर जिला से लॉकडाउन के चलते जहां सारा इंसान घरों में बैठा है, वहीं गरीबों को, लोगों जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जो अस्पतालों में मजबूरी बस इलाज करवाने के लिए एडमिट हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कई समाजसेवी आ रहे हैं मदद के लिए सामने। वहीं आज दिनांक को ऐसा ही एक वाक्य सामने आया जब एक समाजसेवी बीएमसी अस्पताल में एडमिट मरीजों के लिए कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्लास्टिक सूट दान करने पहुंचा। उनका कहना था कि प्लास्टिक सूट देने का उद्देश्य यही है कि जहां सारे डॉक्टर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सो मरीजों की सुरक्षा में ये सूट देना चाहते हैं ताकि ये थोड़ा सुरक्षित रहे। देखिए, जो ये कोरोना वायरस नाम की वैश्विक महामारी हमारे देश में फैल रही है, इससे निरंतर जाने जाती जा रही हैं, तो हमने और हमारे सिद्धार्थ भाई हैं, इन्होंने एक प्लान किया कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि जमीनी स्तर पर तो लोग खाना भी खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर तरह की संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो इसके लिए दिन रात जूझ रहे हैं, उनके पास पीपीटी किट है कि नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि भाई हाँ, जो ये अच्छा प्लान है और लोगों के जो यूज़ नहीं हो रहे हैं रेनकोट है, इनसे इसको बनाया जाए और डॉक्टरों के लिए दिया जाए, ताकि कम से कम जो हमारे इलाज करेंगे आगे जाके या अभी भी कर रहे हैं वो तो सेफ रहें। यही कहूँगा कि देखिए, जैसे इटली की आज स्थिति है कि डॉक्टर्स और मतलब सैनिक वहाँ पे बहुत कम बचे हुए हैं, तो हमारा सबसे पहले ये ध्येय होता है कि पुलिस वाले हुए, डॉक्टर हुए, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, नर्सिंग स्टाफ हुआ, उनको बचाना हमारा सबसे पहले नंबर पे ध्येय आता है कि भाई मैंने बचाना है, उसके बाद ही हम बच पाएंगे। तो मेरी सभी लोग से ये अनुग्रह बिल्कुल प्रार्थना है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपके रेनकोट अभी आपके किसी काम के नहीं हैं, ये बारिश में ही काम में आएंगे, इससे अच्छा हो सके कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काम में आए, कृपया करके उनको अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग को दान दें, हम उनको बना के मेडिकल कॉलेज पहुँचाएंगे। ये 200 करीब और हमारे बन रहे हैं, वो भी हम यहाँ पहुँचाएंगे, 108 वालों को देंगे, पुलिस वालों को देंगे, पत्रकार मीडिया बंधुओं को देंगे, जो भी लोग रोडों पे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, उन सबकी हम मदद करेंगे। ये सबसे पहली जरूरी बात ये है कि जिन लोगों के पास, जो पुलिस कर्मी पुलिस कर्मचारी हैं और जो लोग सोसाइटी में एक्सपोजर दे रहे हैं, उनको अपन को सुरक्षित करना सबसे पहली दायित्व बनता है। और इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिन लोगों को डायरेक्ट कई कई लोगों के सामने आके बातचीत करना पड़ती है और उन लोगों का सामना करना पड़ता है, जिन लोगों को ये पता नहीं रहता कि सामने वाला कोरोना सस्पेक्ट है या नहीं है या कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम एक उन लोगों ने उठाया, पहल की है। और हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि जिन जिन के पास रेनकोट्स हों, उसको अच्छे से साफ करके अगर उनका सदुपयोग हो सकता हो तो हम लोगों से संपर्क करें और मतलब अपना योगदान सोसाइटी में दें। जी, क्या कहते हैं, ये एक प्रिवेंटिव जो मेजर्स में आ जाती हैं, ये सारी किटें हैं, इनसे इन्फेक्शन तो रुकेगा। और जो है क्या कहते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर जितने भी जो अपनाए जाते हैं, मोस्टली जैसे ये है, अब इसमें तो आप ये मान के चलिए कि वायरस का लोड बिल्कुल ही कम हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें थोड़ा बहुत जो है पास भी हो जाता है, मगर जो प्लास्टिक वाले हैं ये, इनमें 100% जो है कहते हैं वायरस नहीं आए। सर, अभी तक सागर में कितने लोगों ने ये किट अभी दी है? सागर में अभी तो मेरी नज़र पहले ही हैं, आप ही लोग आए हैं हमारे पास जो हमें बताई गई। वही बीएमसी डॉक्टर की माने तो बहुत हद तक ये प्लास्टिक सूट कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का कारगर साबित हो रहे हैं और ये अपने तरीके का पहला मामला है जब कोई बीएमसी हॉस्पिटल में ये प्लास्टिक सूट दान करने आया है। लोकल न्यूज के लिए सागर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट।